आपने देखा होगा जब भी YouTube की कोई लेटेस्ट न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है, गुड न्यूज आती है, तो बड़े बड़े यूट्यूबर क्या कहते हैं, फटाफट उसकी वीडियो बना के और उसको पब्लिश कर देते हैं यूट्यूब में। और हमें तब पता चलता है जब वो वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे कि अरे अच्छा गुड न्यूज, अच्छा ये न्यूज आई है, वो भी एक दो दिन के बाद। तो ऐसा क्या करते हैं कि उनको एकदम से अपडेट मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ये अपडेट आ गई यूट्यूब के, फटाफट वीडियो वो बना लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप भी कर सकते हो बिल्कुल आराम से, आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ तो ये भी सोचते होंगे कि भाई यूट्यूब की तरफ से उनके लिए मेल आता होगा तब ये वीडियो बनाते हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ अब एक चीज़ और आपको बता दूं, इंडिया में कुछ ऐसे भी जिनको इंग्लिश नहीं आती और जो ये अपडेट आती है अधिकतर इंग्लिश में ही वो बोलते हैं, क्योंकि सारे सारे बाहर देश के होते हैं, अंग्रेजी होते हैं और वो इंग्लिश में बोलते हैं और उनकी इंग्लिश ऐसी रहती है बिल्कुल जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे वो इंग्लिश बोलते हैं फराटेदार। तो आप समझ में कैसे आएँ, अब कुछ ऐसे इंडिया में जिनको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत आती बट कुछ ऐसे भी जिनको बिल्कुल नहीं आती, अब वो क्या करें, वो भी क्रिएटर है, उनको भी वीडियो बनानी ऐसी। तो आज इस वीडियो में सब बताऊंगा आपको, बिल्कुल आप भी बिल्कुल आराम से बना पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आप भी बिल्कुल समझ पाओगे कि हाँ भाई क्या अपडेट है और कैसे आप भी आराम से वीडियो बना पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत बढ़िया है, बट आपको एक काम करना है, आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, तभी आपको समझ में आएगा ए टू जेड और तभी मेरा फायदा भी होगा वीडियो बनाने का। क्योंकि आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, और जो मेन चीज है आप वो छोड़ दोगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, और जो वैसी चीज आपको वो याद रहेगी, फिर आप बोलोगे कि भाई ये कैसा बता दिया आपने, तो ये तो काम ही नहीं कर रहा। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको पूरा देखना है तभी आपको पूरा समझ में आएगा, और उसके बाद आप किसी आपको खुद ही वीडियो अपडेट मिलती रहेगी और आप आराम से वीडियो बना पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। जो बड़े बड़े अधिकतर यूट्यूबर आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये हमसे आगे बढ़े या इसको यूट्यूब की कोई अपडेट वगैरह मिले, कोई नहीं चाहता आज के टाइम पे, ये फैक्ट है। पर मैं आपको पूरा बताऊंगा और हर कोई इसको यूज कर पाएगा जिसे इंग्लिश आती हो या ना आती हो। दो ऐसे यूट्यूब के चैनल के नाम बताऊंगा जो कि अधिकतर आपको मालूम भी हो गया बट सुन लेना, जो कि अधिकतर यूट्यूबर इसको फॉलो करता है और इसी से इनको अपडेट मिलती रहती है यूट्यूब की नई। तो पहला है क्रिएटर इनसाइडर, आपको क्रिएटर इनसाइडर को सर्च करना है यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का बटन आपको क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके। दूसरा है यूट्यूब क्रिएटर, आपको भी इसको सर्च करके यूट्यूब क्रिएटर को और सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को आपको बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि उसकी आने वाली नोटिफिकेशन कोई भी मैसेज या अपडेट आपको मिल सके बिल्कुल आराम से तुरंत उसी टाइम। ये यूट्यूब का खुद का चैनल है जो कि आपको अपडेट देता रहता है, नई नई जो भी अपडेट आती है, ऑल टोटल जो भी अपडेट आती है वो इन्हीं में दो में जो भी अपडेट आती है यूट्यूब की, चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बेकार हो, सारी अपडेट इसी दोनों में आती है। अब ये तो हो गया दो, अब ये जो दो मैंने जो बताई है ये बिल्कुल इंग्लिश में है, जो कि एक फॉरनर जो यूट्यूब की टीम है वो आपको सारी चीज बताती है कि भाई ये अपडेट है, ऐसे इस चीज को करना है, ऐसे फॉलो करना है, तो ये सारी चीज बताती है बट सारा इंग्लिश में है। अब आप क्या करें, अब आपको इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी है जो कि आज के टाइम पे जो अपडेट देते हैं उनको भी इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अब आपको क्या करना है, इनका वीडियो जब आप ओपन करोगे कोई भी अगर अपडेट आती है नहीं लेटेस्ट, आप उसको क्लिक करते हो तो आपने जाना सेटिंग में, सेटिंग में क्लिक करके आपको मिलेगा ऑप्शन कैप्शंस का, कैप्शन उसमें लिखा होगा इंग्लिश, तो आपको उसको क्लिक करना है। उसके बाद उसी के नीचे आ रहा होगा ऑटो ट्रांसलेट, आपको उसको क्लिक करना है और ट्रांसलेट में बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है, बहुत सारी भाषाएं आ जाती है जिसको हम नहीं बोलेंगे भाषाएं, तो वहां आपको सिलेक्ट करना है हिंदी। जैसे आप हिंदी करोगे तो आपको सब टाइटल जो आ रहा होगा वीडियो के नीचे वो सारा हिंदी में आएगा, तो आप इससे भी आप अपना नोट एक कॉपी में नोट करके आप पूरा हिंदी में लिख सकते हो, एक बुक में अपनी अपनी कॉपी में या किसी पेज में, या आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी आप नोट कर सकते हो पूरी स्क्रिप्ट और समझ सकते हो बिल्कुल हिंदी में, आपको टाइटल ये बताएगा सारा टोटल और टोटल। तो आप एक ऐसे इस तरह से आप वीडियो वगैरह बना सकते हो, बिल्कुल सब टाइटल बिल्कुल हिंदी में आने वाला है एक तो, और दोनों में ये ऐसे ही काम करेगा जो मैंने बताया। तो ये तरीका एक तो, और एक और वेबसाइट मैं बताने जा रहा हूँ जो कि YouTube की है और वो भी बिल्कुल हिंदी में, मतलब कि ये तो ये इंग्लिश में बोलेंगे और आपको सबटाइटल हिंदी में मिल जाएगा, बट जो मैं बताने जा रहा हूँ साइट वो बिल्कुल हिंदी में है, वो बोलते भी बिल्कुल हिंदी में, और जो भी जो उनकी YouTube की टीम है वो भी इंडियन है, वो सारा आपको हिंदी में बताएंगे बिल्कुल क्लियर एकदम साफ, आपको सबटाइटल डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हिंदी में, और वो अपडेट देते रहते नहीं, वो इसलिए लाए हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में ऐसी भी जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए ये उनके लिए। इस वीडियो में आपको AdSense UI के नए अपडेट्स के बारे में भी पता चलेगा। AdSense पर YouTube होमपेज और पेमेंट्स अकाउंट से जुड़े अपडेट, इस YouTube के खोज और सुझाव देने से जुड़ा सिस्टम प्रत्येक दर्शक को वह देखने में मदद करने का प्रयास करता है जो वह देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि YouTube का सिस्टम उन वीडियो के सुझाव दिखाएंगे जिनमें लोगों की दिलचस्पी होगी और जिन्हें देखकर उन्हें संतुष्टि मिलेगी। तो ये चैनल है YouTube का, YouTube क्रिएटर इंडिया, तो आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है और
बेल आइकन को क्लिक भी करना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके पहले और आप वीडियो बना सको। और ये बिल्कुल हिंदी में आपको, अगर आपको मतलब कि आपको इंग्लिश की जीरो भी नहीं चाहिए क्योंकि सारे हिंदी में बताते हैं, ये सारे जो यूट्यूबर की टीम है सब इंडियन है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल हिंदी में आराम से आप अपनी वीडियो बना सकते हो। हल्का सा पॉज करके आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो और एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो और उसके बाद वीडियो वगैरह बना दो फट से, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं। आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको फटाफट वीडियो बनानी और उसको पब्लिश कर देनी उसी दिन। ये नहीं कि आप अपडेट आ जाइए और आप वीडियो बना दिया आपने आज और कल पब्लिश कर रहे, नहीं। कोई भी एक चीज का मैं नोट कर दूं यहाँ पर, कोई भी यूट्यूब की अपडेट आती है कोई भी हो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, आपको क्या करना, फटाफट उसको वीडियो बनानी है और आज ही पब्लिश करनी है। जितना हो सके आप जल्दी पब्लिश कर दो, मतलब पब्लिश करने का ये मतलब कि आप कुछ भी बना के, आपने बिल्कुल एकदम सही जेन्युइन चीज बतानी है जो कि वो सब बोलते हैं वही आपको बिल्कुल कॉपी करना है। और इंग्लिश में शर्म नहीं करनी चाहिए भाई, नहीं आती नहीं आती, क्योंकि वो लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है वैसी उनकी इंग्लिश है, उनको हिंदी नहीं आती तो हमें इंग्लिश नहीं आती, क्या दिक्कत है ना भाई। तो आप ऐसे भी वीडियो बना सकते हो बिल्कुल आराम से एकदम, आपको ट्रांसलेट या तो आप ट्रांसलेट करके बना सकते हो या आपको मैंने, या तो मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब क्रिएटर इंडिया मैंने चैनल का नाम बता दिया, आप इससे भी आराम से वीडियो बना सकते हो। इसमें अपडेट आती रहती नहीं, आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना है और मेरा भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।